चूल्हे ने लिए बनाए पड़ेगा। ये माँ ने ईट लगा दी, एक तो वो बुंडा लग गए। के मुंडा लग गए हैं माँ, मैंने चिकनी मट्टी ला दो, इस चूल्हे ने लिप दू, देखियो कि सब बुंडा लग गए और बाहर ने कश्यामी। कोई ना, ले दूंगी। ठीक, और रोटी कद सी बनाओगी? बना लूंगी माँ रोटी भी, इब्बे के गांव आ गया उरे। और माँ, हाँ कहना तो नहीं चाहिए पर फिर भी मेरे मन में आ गया बात। मैं कई दिन तक सोच रही थी, मैं चाहूँ हूँ कि देवर भी पढ़न लाग रहे हैं दोनों, तो थारा बेटा भी पढ़ाई कर ले आपकी पूरी, इनकी पढ़ाई दम में छूट रही है। तेरा दिमाग खराब हो रहा है के? जे यो पढ़ाई में लग गया तो खेता ने कौन संभालेगा? तो माँ एक बात बता, के जिंदगी भर खेती बाड़ी करते रहेंगे के जमींदारी में दरिया ही के है? क्यों कौन दरिया, मारा घर तो इससे तो चल रहा है। तेरा ससुराल 3 साल हो गए मरे है, अरे यो ठा रहा सारी जिम्मेदारी, खेता ते तो काम लिख रहा है अपना। फिर मनु बता, जब जमींदार इतना बड़ा है तो उनकी पढ़ाई पे क्यों रुपये लगान लाग रिया, उन्हें भी खेता में लगा दे। वे तो छोटे से हैं, उन्हें चिंता को नहीं क्या है कि इब्बे माँ ठीक से पढ़ लेंगे। ये भी तो छोटी सी उम्र में खेता में लाग गए थे, और किम्मे को नहीं नू है, पढ़ लिख लेंगे ना तो आगे बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। एक बात बता माँ, इनका भी ब्याह होगा काल ने, ये तो प्राइवेट धंधे करेंगे, कोई सा सरकारी लाग जाएगा कोई सा किम्मे, और हम नुके नू रह जावांगे। किस तरह नुके नू रह जाओगे, ये बालक की मैं कदम को नहीं गिथा था है? जो आज पीछे लगान लाग रहा है इन्हें बेरा को नहीं के, किसकी वजह से पढ़ाई कर रहे हैं ये? माँ घा का किम्मे को नहीं बेरा होता, और फिर दूसरा पर डिपेंड होके क्यों चलना है नू बता। तेरे तो यह बात किसने कही है पढ़ाई करण की, कुलदीप ने कही है के नू बता? उनने तो ना कही माँ। तो फिर तू क्या बोलन लाग रही है, उसने तो दिखे है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मन करना जो कि मैं करना है, वो पढ़ेगा तो सब की मैं नुक्कड़ दरिया का दरिया रह जाएगा। तो माँ पढ़ाई के मानस 24 घंटे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खेता का भी काम कर लेंगे और विक्की और रात बंटवा देंगे इनका। काम एक ही होगा के तो पढ़ लियो और के खेता में काम कर लियो। ठीक से माँ, मैं तो सिर्फ सर तक कह सकूँ हूँ, करना क्या है वो तो थमने बेरा है, बाकी थम माँ हो और माँ खातर तो हर औलाद बराबर होया करे, इतना भेदभाव ना करो। मैं भेदभाव ना करती बहू, मेरी मजबूरी है, जे यो खेता का काम छोड़ देगा तो घर का काम किस तरह चलेगा? फिर माँ इब तो वे बराबर के हो रहे हैं, सारा ला दो खेता में, पर मजबूरी के नाम पर ना एक ना तो मजदूर बना रखा है और सारे राजा के डाल रहे हैं। राजा कौन बना हुआ है किसे ने बता? अच्छा अपना पढ़ाई करने लग रहे हैं, जब कुलदीप की मैं नहीं कह रहा तो तू क्या तो बोल रहे है, मेरी यह बात समझ में नहीं आ रही। कुलदीप अरे जो बात थी मेरे तक कह देता, बहुत कहन की क्या जरूरत थी? मन्ने की कदी माँ, इतना बोला ना बने, कहन लाग रहा तू मैं पढ़ूंगा इब खेता छोड़ दूंगा। मन्ने कद कह दी बहू, कहन लाग रही कि माँ वे दोनों तो पढ़ने लाग रहे हैं, राज्य की तरिया रहे हैं और ये हैं ये खेता में काम कर रहे हैं मजदूर की तरिया, इन्हें भी पढ़ने दो। तो माँ तेरे तो नहीं कह दी माँ, उस तक कहने की जरूरत थी, मन्ने पता डर लाग तेरा कि मैं मखा भाई, जब तेरा मन में है पढ़ने की तो मन्ने बता दे। किसी बात करा माँ तू मनास थी कही तेरे तक मैं कही तो को नहीं कद बाबू तो कही हो काम के बाबत ना भाई, तेरे जी में है बता दिए मेरे ते। किसी बात करा माँ तू मन्ने बेरा को नहीं मंदिर दा को नहीं कौन अगर समझ दिया या ये बात मैं कहूँ थी, तेरे बाबू को जान के बाद तू ये तो रह गए इस घर में बड़ा, तो तू नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? यह बात कहने की जरूरत थी माँ, के लुगाई तो कही है ना उसने मेरे तक कही है, मैं क्यों कहूँ उसको बता? तो उसने के सपने आवे हैं कितना पढ़ाई करनी है, सुन ली होगी माँ उसने उस दिन तो कह दी मेरे तय अगर खेती बाड़ी संभाल ली पढ़ाई पूरी दिन रहने दे, वो वह बात उन्हें सुन के अंदर अपना सारी कह दी फिर तेरे तय। भाई जैसे जी में हो तो पढ़ ले, करे काल ना तू भी नू कह दे कि माँ तू भेदभाव कर रहे हैं हमारे में, मैं तो अपना कितने भांडे मांझ कर अपना घर चला लूँगी। माँ इसी बात क्यों करे तू? तो और क्या करूँ, तो आज उसने कह दी मुँह ठाक नया बात कि तुम तो भेदभाव करो हो इनमें, काल ना तू भी कह देगा। तुम दबड़ कह दिया बता कह दी तो जाओ भाई, तुम जाओ काम है मना तुम जाओ, लेट हो रहे हो के टाइम हो रहे हैं, तो कॉलेज में होने देता हमारे के करो काम के है, चलो कॉलेज में चलेंगे। अरे खेता ना कौन संभालेगा, जे यो कॉलेज में जाओगा तो थम पढ़ लोगे फिर तीनों जने घर ने बैठ जाओगे फिर तो कसुत्ता काम से भाई मां, एक साल सारा रह रहा है भी कॉलेज छुड़वा दे भाई का। अरे 10 बज रहे भगत अभी भी तो कॉलेज में होने देता हम, देख बातन को मान लाग रहा चल बोल रहे मैं कौन जाऊं, मैंने काम बताऊंगा भाई, काम बाद में हो जाएगा चल चल।
दुआ तुम 5 बजे आके कर लेंगे के काम सही सा और के कोई ना फिर जाऊंगा मैं जाओ तुम लेट ना करया करो टाइम तो जा रो तेरे चक्कर में लेट हो रहे भाई हां मेरे चक्कर में वक्त उठ लिया थोड़े है कोई ना एक लक्षर तो जा लिया कोई ना की खेता में काम गाना ही हो जाए है किस तरह करेगा दोनों काम गैल गैल नहीं पड़ता मामा चेते का करेंगे माता के गई था ना के कह दी मैंने माता तन्नू कौन मेरा फिर उसमें क्या गलत कह दी और जब माँ मेरे तक नाटकी थी तो थार तक कहने की क्या जरूरत पड़गी के नाटकी थी भी मैं कौन ही पढ़ाऊँ ठीक है और तो तेरे तक किसने कही है कि तू ये बात माता जाके कह किसने मेरे जी माई तो मैंने कह दी और मैंने गलत भी क्या कही है क्यों अपनी भलाई की बात करी होगी अच्छा मैं तो ज्यादा जाना भलाई तू क्यों ना जानू क्यों मैंने ना दिखता अपना आगा के के ना पढ़ा हुआ है कमा कौन खाते अमर जाए फिर वे तो पढ़ लिख के बन जाएंगे बड़े अफसर और थम इन खुड़िया में रुलते रहोगे के क्या दिक्कत हो जाएगी क्यों दिक्कत क्यों कौन हुआ अच्छा एक बात है चल मैं पढ़ लूँगा फिर उनकी भी छुट्टी पढ़ाई साथ में तीनवा खर्चा करता हुआ ये सब कहने की बात हो है सिर्फ समझ के खेती के साथ साथ भी पढ़ाई करी जा सके है अब कौन हो बहुत बढ़िया परवाजा दो जब तीनों भाई मिल के करो पर वे तो हाथ लगान के हैं नहीं वे तो राजा के बेटे हैं तो फिर राजा की डाल रहेंगे नहीं इनके चाहो मतलब उनकी पढ़ाई छुटवा दोगे पढ़ाई छुटाने की तो किसी ने कही है कोनी तो कहने लारी और किस तरह होगी वे कॉलेज में तो आवे फिर बाहर कट्टे भी डांदे हंडे जा इतने वे खेत में काम में भी हाथ बटवा सके हैं क्यों ना बटवान दे कोने आगे लेगी नीत के करूं फिर या तो कोई बात नहीं होगी कोनी नीत मैं पढ़ूं थारे कर्म में लिखा गया सारा तो बड़न तो सोचना पड़ेगा बाबू था जब थी कोई दिक्कत ना थी मैं पढ़िया रहता और बड्डे का बारे में कोई ना सोचो हैं पढ़ लिख के मैं बन जाएंगे तो लात मार देंगे यही होया करे बड्डे के फर्ज लात क्यों मार देंगे मैं दिखा दूंगी पढ़ लिख जाए तो घर नहीं आओगी तनख्वाह कट जाएगी मैं दिखा दूंगी अग आओगे वे दिन बह रुक जाओ इतनी एडवांस क्यों चला तू इतना तना गति का बेरा है तो बुझा कर लग जा बोल दियो नहीं लुगाई आगे तक की सोचा है ना जदे घर सुथरी डाल बसया करे पर थमने तो मेरी सुननी है नहीं और ना माननी तन्ने के बेरा उड़ जाएगी क्या बात कही माना मेरे ती बता दें बेटा अपनी लुगाई सिखाने की जरूरत थी के कहूँ पर मन ने तो ना कही माता यह बात कि थमने मेरे तक में कही है तन्ने तो ना कही मानू ली उसने के सपने आ गए बकवास करने ला रही क्यों मैं अपने आदमी के बारे में सोच ना सकती के तू सोच सका ना फिर ये बात कहने की जरूरत ना थी मेरे आगे कह दिया तो कह दी तन्ना अपना भीतला खाली करना था ना व्यापार करनी थी तो तक... इब कह दी कर लो जाओ क्या एलएलबी करोगे इब एलएलबी कोनी करूँ ना एलएलबी होए कोनी ये वो कॉलेज में गए हैं कहे थे चल मतम जाओ भाई ठीक इस बंद दिमाग मत काट देख तो काट दी मन तो दिमाग अपन खेती करनी है और अपन खेती कराएंगे ओ देवता मैंने तो काट दी थारी मां आटी थी ना जद दे काट दी थी हां बस तो ना समझो मैं नहीं जमींदार तो भी गल्ले करेगी मेरा ठीक से दोनों कराएं मिलके ना बताने की जरूरत कोनी वो तो बेरा है मैंने करना पड़ेगा जहर खाओगे तो जहर भी खाना पड़ेगा बराबर खेत में जाऊं मैं रोटी बना ली है 2 घंटे बस खा के चले जाओ बना रखी है घर के काम तो सल्टी थी थोड़ी बार आराम करूँ कि नहीं खा के चले जाओ अड़ती भर लूंगा फिर काम हो गया उड़ा अड़कसा होगा तो मेरी बात सुनो और कि मेरे तो थारी माँ मानना कोनी पर थारी माँ तन्नू कह दो कि माँ इबिया मेरे बराबर जमींदारा करेगी तो अपना घर का काम संभाल ले तू बेउद्दी बातां को धन्ना होंदा ठीक से यो कौन सा मतलब हुआ तो यो कौन सा मतलब सारे घर का काम भी करूं और फिर थारे बराबर खेत भी कमाऊं की दिक्कत है कि बिगड़े होंदे का ना मेरा तो क्यों कि मैं बिगड़ेगा मैं तो लौकी बन गई हूं ये बात एडवांस ना चल फिर कहूं हूं शरीर का कि मेरा बिगड़े काम कर रहा था ठीक से बढ़िया रहेगा थोड़ी वक्त उठ ले घंटा मेरा ही ना बिगड़े एक बात तो है कि जैस्मिन पूरी फ्लैट है तेरे पे मेरे पे कोड फ्लैट बनू बता मतलब मेरा ऋतु भी पूरी फ्लैट हो रही है ऋतु ने छोड़ तू काजल ने देख ले सारी नहीं है और मेरे का नहीं करिश्मा ने देख ले और मेरे का नहीं तो कोई देखती भी को नहीं मेरा है कारण है वो भी के क्योंकि तू मेरा भाई है इंटरनेट में रह जाऊंगा तू क्यों रह जाएगा और के शांति रख सबकी में होगा भड़कना लिया करता था ये मैं तो इस टेंशन में हूँ इनमें ब्याह किसके गल करूँ ब्याह क्यों करना है यार चल ठीक है अगली टाइम पास कर तू भी टाइम पास कर क्या बात है ब्याह क्यों करना है ब्याह तो भाई जो करके करवाओगे ना ओड़े कर ली की चलो सही है मेरी बात सुन घर लगा हो गया ये रितु रात तुम छोड़ के पढ़ाई के जिक्र कर ले ना करके नु कहेंगे इन्हें खतरे भेजा आगे हाँ
घर ना है ना खाली पढ़ाई का जिक्र है रहा है कि घर के रेपी भी दे रहा है हर टाइम तो बेच भी दे रहा है। तो बता फिर के पढ़े आज तुमने? आज घर ना देखी मेरे लेक्चर, टेंशन ना ले तू, आड़े बता दे फिर घर के बताओगे। अच्छा बाहर लो देखा पानी गर्म दबूंगी। क्या हाल है ना रे? पानी गर्म करूंगी पहला तो फिर बनाऊंगी। तू क्यों हो रही बाबी नहीं कह देती? देख खुद लाग रही है। के कह दूं उसने? मैं मुंह बनाई बैठी है बता। किस बात पे? नु कह है थम भेजते को नहीं ने कॉलेज में। अरे हां मैं एक बात बता मने छोटी सी बात ने तो हाँ। भाई ने कॉलेज में भाई सा के काम था जो कॉलेज को गया? अरे वो कॉलेज चला जाएगा तो खेत ना कौन संभालेगा? थम यह चीज ना देखते तो खेत का तो रोज का काम है। मां तो कॉलेज में जाना पड़ेगा। ले बोल क्यों जाना पड़ेगा? क्यों एक साल रह रहा है पढ़ाई नहीं छूट जाएगी? एक बात बता एक में जाया करता जब खेत कौन संभाला करता? वो तो संभाल गए मैं किसी के भरोसा कौन छोड़ दूं? ठीक साले भर मजदूरी करवा लेंगे। अरे एक साल की तो बात से अरे तो भाई तो कहूँ मैं साले भर मजदूरी करवाऊंगे। नोट कितने देंगे उनने? जो खेत में तो लिख देगा वो घर का खर्चा लेगा उससे। बाबा तुम्हारे ऊपर बीमा मारे भी तो लग गए हैं ना तो अपन फिर अपन फिर जाओ भाई अपने को खर्चा कौन लगता? तो फिर थम छोड़ दो पढ़ाई। माँ पढ़ाई छोड़े काम चल लगा किसी बात करो हो तो और के कहूँ भाई थमने उससे की रट पकड़ रखी बता। तुम्हारे दिमाग में तो नहीं थी काम है इसलिए टाल कर रहे हैं मन ने गरमा तो लगा रखी है। भाई अपने समझ तो बाहर से ही सुना भाई मन सोचनी चाहिए तीनों पढ़ लेंगे भाई कोई दिन में एक साले भर में इसकी पूरी हो जाएगी और तीनों नौकरी लग जाओगे बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर मेरी बात सुनो थमने तो ज्ञान से को नहीं खेती बाड़ी का और कुलदीप सब बड्डा उसने ज्ञान है सब क्या का वो खेता ने संभाल लेगा थम पढ़ लियो ठीक और जब तुम पढ़ लिख कर में बन जाओगे ना तो उसने भी सहन हो जाएगा थारा। मैं बस यह कहना चाहूँगी भाई ने अपनी मर्जी तो छोड़ दी है या माँ दबाव पे ये बता दे। दबाव की कौन सी बात उसने भी दिखा है अगर उसने बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा कौन लग गया माँ सही कहने लग रही है बात तो हाँ। तो भाई भी खुश है और खुश है बता चल फिर सही आप नौकरी लगे तो भाई की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक से चल कपड़े कपड़े बदल ले चलो तेरे भाभी ने कह दिए इतना बना देगी रोटी मेरे पीछे पड़ रहे हैं बता नूह काम चल जाएगा इनका तो डालू देखा आज माँ। हाँ आसंग है तो टिप्पण दिया हो खेत में? ए मेरी आसंग को नहीं तू ये चली जा थोड़ा बहुत काम भी करवा दी गैल मिलकर ने। तो मानू कर गैल तो चल ले पड़ क्यों चलती रहा मैं डॉक्टर आ है कुछ तो दिखा दूंगी 24 घंटे तेरी आसंग खराब रही जा है। मेरे दूर दवाई पड़ी से मेरे पैरों में सत को नहीं ठीक मेरे तो ना चल ले जा। सत तो गणाए है माँ पर नू कह दे काम करने के नाम का कोनी चुगली चाटे कर लूं दाए बाएं हांडे हूं इनका सत तो बतेरा है। जबान संभाल के बोल समझ गई लाकड़ी ले आई हूं जाकर ने। हाँ लाकड़ी तो याद आया आतिया ना ले आइए बरोटी ठीक जब मेरी आसंग होगी तो ले आऊंगी मेरी भी तो आसंग खराब है दिया हूं टिप्पण मन ना कैसे खुद की आसंग ठीक रहो कोन्या मैं बुढ़ी लुगाई बता मेरी तो रहेगी खराब। आ जाओ रने रोटी खा लो रोटी ले आई। आया बस यार गिरा हूं एक रह रही यार टाइम देख लो क्या हो रहा है। अरे एक बात रह गई आया बस सारी कर दी इकट्ठी। किलकी मान लाई जा बैठ जाओ किन बैठोगे उरे बैठने की जगह है क्यों उस डंडी नीचे चल लो उड़े के नहीं आ रहा है राड़ा हो जाए बैठने की जगह के हाड़ बताई ना काट दें थोड़े माँ तो कही थी मखामा रोटी ले जा खेत में मैं थोड़ा बहुत घर का काम निपटा लूंगी। माँ का गोड्डे में दर्द रहता है बेरा तो सही यार। हाँ हाँ थारे कोने बेगा तो राम जीड़ा ने 70 बीमारी ला रखी हैं एक मैं ही मेरी माँ ने जमी थी अष्ट पुष्ट गणे डायलॉग नहीं सीख ली थी मेरे गल रही सीख ली है फिर पानी रे पानी की बोतल तो होगी खेत में धरगी थी पानी बोतल खेत में ले आए कौन सा बेरा अरे ले आ तो खत्म हो लिख देगी चले जाएगी के कोई ना
कोई बात ना, सारा दिन काम करो, थारी माँ तो दया को नहीं आवे, मन तो फिर भी दया आ जाए। खा ले तो कोनी खांदी, मन तो कोनी भूखा। खा ले खा तो खा ले खा ले। मैंने कहूं थी सही बना रखे, सही बना रखे हैं का मतलब बढ़िया है कि आज पहली बार खाए हैं कि और दिन तो कोनी बढ़िया लगे आज बहन खेत मारे जमा लगे और दिन मेरे गल्ले खाया करो ना बैठ के जो तो बढ़िया ना लग गए और आज एकले खा रहे हो। ये बात बोलेगा खा लो इन ताले ताले और फिर करना चालो। क्यों कट्टी करती सारी सर समीप के करोगे, ये दासरे पड़ जाएंगे सारे जने आके एक दिन। जला लिया क्यों इन अवश्य को नहीं क्यों इन में के कंडे हैं शुरू तक काम ना करा क्यों ना कर दे भी बाबू बात है बाबू मने पकड़ी लिया था मेरा करेड़ उन्होंने कौन करेड़ा फिर था हमने माँ के पेट में सीख लिया था कि शुरू तक काम कौन करेड़ा उनका और चलत्र करते हंड है वे उनके सिखेड़े हैं गे मालक सा कि मैं वो टेंशन ना ले कण का भी कि मैं फायदा कोनी चके जाऊं मैं तो नु उनको भी अकल आ जाई अकल उनका कोनी आवे अकल थारा होगी मैं उससे दिन की बात देखूं हूं क्यों मैं दिखा दूंगी मेरे क्या होगी इब तो बोल दूंगी तो बुंडी लागूंगी कि मैं कोनी आवे सुक्त रोटी खा ले फिर नु कहोगा रोटी खाने बैठू जा दे तू चिक चिक शुरू करे मतलब ये कहने की जरूरत पड़ेगी है वो नेचुरल हवा था अपना काम में ही तो रोटी खाने बैठे जब किच 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 पीछे पीछे क्यों अगर रोटी हजम हो जाएंगी शरीर में लगेंगी मोटा ताजा हो जाएगा तो फिर सेहत देगा मारेगा इसलिए उन्हें सुखा के रखो ताकि उनका मन सबर हो यार भीतर फिर इब तो मैं चुप बैठी हूँ खा लो आराम था बोल ले जा रे पकड़ पकड़ अच्छा वे बात क्या खा लो कि मैं कौन कहूँ पकड़ पकड़ जब तक मैं बोल लूँ इतने क्यों भर ले कौन खाओ इतने पड़ोसियाँ तो बंडे ही हो पानी लिया उनका भर के उल्टी ना बोला 24 घंटे मैं सोचा यार के कहूँ तो मैं तो नू चाहूँ सुथरा खा ले ढंग तै जो कि मैं दही में लग गए सारा दिन काम लग गया रहे पर ना मेरी परवाह तो दिखती है कोनी परवाह तो करा लेकिन छोटा छोटा का नहीं करा अभी तो इतना पैडल लेके मैं डांस है बैठ के क्या करेगी कोनी मेरी हिम्मत घर का काम करके आ रही हूँ मैं डंगर कोनी साले बैठ दियो सही हो गया तो मजा आ गया ना क्यों क्या फोन आ गया यार तनु ब्रेक मारया करे ठोक दे आके दिन कदे हेलो हाँ चलाऊं मैं ठीक कि चलेंगे मैं मनु कौन था हाँ बता कि चलना है किसे कौन चलना तो एक काम कर बस मां जी ये फालतू बात ना करे कुकरा जाऊं बस मैं आज ये यार मेरा फोन आ गया जाना जरूरी है मने कितने अरे काम है एक छोटा हा अच्छा ये भाई तो बड़ी किशोरी होगी तो होगी कोई ना कोई नहीं हद होगी भाई एक से क्यों के होगी नहीं होगी नहीं रोजी रोजी ये गाना लगाए रख दो मैं बताऊं तो एक बात आगे विकी देख तन्ने मेरा है तन्ने तेरे ऊपर कितनी सीरियस हो रही है और तेरे सबसे प्यार कर रहे हैं कि बाकी छोरी टाइम पास कर रहे हैं तू उस पर फोकस दे फालतू अन छोड़ दे तन्ने का फोन था उससे तो मिलने जाऊँ मैं ठीक है टेंशन ना ले ज़्यादा अगर है ना उसने रखेगा ओनली ऑन तो मैं उतरूँ ना तो मैं मिल कितनी जानता जम्मा राज फाइनल बात करी आऊँगा टेंशन ना देख लिया आज उतरूँ कल किसी और के लपा गया ना राज बात करी आऊँगा तेरी भाभी बनवा दूँगा उसने ठीक है चल कोई ना मैं तो कुछ नहीं ओहो कितना गया मैंने लेट करवाओगा ओहो बहुत बढ़िया क्या क्या यार मैंने कॉलेज में तलगड़वा कर आप गायब है और बोल ले कौन बोलती और की मैं भी आ तेरी आदत कौन छूटेगी या कौन छूटेगा ना मेरा है अक्षय था गया मेरे बीच में छोड़ के आया हूँ बस मैं गया हो अक्षय था फिर लिया था गला हद होगी यार नु गलिया था गला फिर तू इस पागे बैठ के चलती बैठ लेती कैसे सही बैठ लेती और के कितनी बार होया करेगी तू इन बातें ना छोड़
तो बाइक पे बैठे, मेरे और यार दोस्त भी देख लेंगे। चल वैसे है तो बड़ा कंजूस, देख कित लेके आया है, ना कि होटल में ना कि रेस्टोरेंट में, कदे खर्चा ना हो जावे तेरा। अरे बावली तू घर की इज्जत बनानी है मने, रेस्टोरेंट में होटल में कैफे में को देख लेगा फिर, तेरे तो बहुत जरूरी बात करनी है, इस लेके आया हूँ मैं। अच्छा फिर बोल। सुन बेरा तन्ने भी सारी बात का और समझदार आदमी नहीं सारे काफ़ी होया करें, घर की इज्जत बनाना चाहूँ मैं तने, इब्बे भी तेरे समझ में को नहीं आई के ना मैं तने रेस्टोरेंट पर ले गया ना मैं तने होटल में ले गया, क्यों कौन ले गया, कौन समझेगा इब्बे भी। अरे तने मैं बहू बनाना चाहूँ मेरी सच्ची, यह भी किम पूछने की बात सुनू का सच्ची, सच है तो है यार, लेकिन मैं तेरे मन की जानना चाहूँ कि तेरे मन में क्या चल रहा है। देख विक्की मेरी तो कद हिम्मत को नहीं हुई तेरे आगे बोलने की, पर तने मेरे दिल की बात बोल दी, इब्बे ना मेरा वो सपना है अगर मैं तेरे गला शादी करूँ और तेरे गला घरा चालू। अरे बावली क्यों भड़क ले रही है, तेरा सपना जल्दी पूरा करूँगा मैं, आजा बैठ फटाफट। माँ। हाँ भाई। काहे को झाड़ू में लगे हो तुम, हम आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है बता। माँ मैं हुकुम था मन छोरी देख ली माँ तेरी बहू बनाने खातर। तो के बोलने लाग रहा है, तू छोरी देखेगा कॉलेज में पढ़ने जा है, आशकी करण नहीं। माँ इस मास की के मतलब वो था तो और के, मैं सोचू मेरे बालक पढ़ लिख कर कामयाब होंगे, तू ये काम करे से। तो माँ पढ़ाई लिखाई भी करने लाग रहा हूँ मैं, कामयाब भी होऊंगा, नौकरी भी लगूंगा। छोरी मैं देख लूंगी, मैं बैठी बे। माँ तने मेरे पे विश्वास को नहीं के, या मेरी पसंद पतन लागे गलत पसंद करूंगा मैं, अरूरे ना होगी माँ, देख ली तन जितनी देखनी हो तुनी। ठीक से तो देख लेंगे। चल इस बार ने मैंने एक हलवा बना खवा दे एक प्लेट बढ़िया सा। हाँ काम तो अच्छे करे ना। काम क्यों था माँ, पसंद है तो है, बात खत्म। फसले शर्म तो नहीं आती होगी। नुगा शर्म को नहीं आती। सुन ली मैंने, अरे मैटी पिटवा रहा माटी के मां सन ला रही है, मैं देखूंगी थोड़ी बैठी। अरे तुम नाट कौन सा रैपटा कौन मार सके इसका के रैपटा मारू, जब आज ने पसंद दे कर ली तो ठीक है, मन बना लिया जो पढ़ न जा उड़े थोड़ी पसंद करने जा है, तो ब्याह तो करना है, तू भी अच्छी बात कर रहा है, इसकी पसंद तो हो जाएगा। नहीं फिर पहले कहता होगी फिरेगी भाई, रहने दे अपना तो ऊपर हो गई कि गया थोड़ी है जो रैपटा मारा है। अरे कहन ला रहा है और केस रहे यार बुझण ला रहा है के बुझ है के कहन ला रही है। हां मैंने मेरा नहीं बताया के जो बता रहा है, मतलब मेरा है सर बता। तो इसने तो देख भी रखी भाई छोरी। और छोरी मैंने 0% भी कमी कोनी, मतलब मेरा है घर परिवार की साक्ष है। अरे माँ घर परिवार बहुत बढ़िया है, उसका माँ बाप को नहीं बस बहुत अच्छे खानदान है। अच्छा मजबूरी है उसकी, तब तो अच्छा रहे हैं। फिर बता सब की मैं ठीक से, फिर तू क्यों नाते है के ठीक से भले सब की मैं ठीक से इबे पहला करते के पर थे पर हाथ रुपए जो ना क्या हाथ रुपए जमा ये के बात हुई भाई, तारा तो ब्याह हो गया, मैं ब्याह भी ना करूँ मेरी पसंद है। अरे तो घनिया टाइम पड़ा भाई, तो टाइम पड़ा तो जिंदगी मेरी है, डिसीजन मन्ने लेना पड़ेगा, पसंद मेरी होगी आगे मेरी लाइफ जरूरी क्या जरूरी नो बता मैंने पहले, दोनों चीज जरूरी है भाई। भाई दिक्कत क्या है, बहुत बढ़िया दोनों इकट्ठे पड़े हैं, अगर नौकरी लगेगी यो नौकरी लगेगा नहीं फिर मनु आडो फिर ना लाए हमके अब भाई पढ़ लिख के नौकरी लग जाएंगे, पेपर थे करा बात पढ़ होगे कि ब्याह पे ध्यान दोगे क्या ध्यान दोगे। अरे तो ब्याह पे अच्छे भी पढ़ाई हो जाएगी, तू भी अच्छी बात कर रहा है। मां तो सारी बात मेरा है किसा पढ़ा ब्याह पे किसा पढ़ा रहा है, तुम को नहीं पढ़ेगे भाई ब्याह पे अच्छा के पढ़ लिया मैं ब्याह पे अच्छा के पढ़ लिया पढ़न बोला थोड़ा बहुत टाइम बचदा हुआ माथा ले लेंदी मेरा एक कती छोड़ गई पढ़ाई का नाम निशाना रहा। तो भाई खेत बार का तो आप देखो और तू बैठ मैं क्या कर देखूं, फिर मैं बंद के थोड़ी बैठ जाएगा ब्याह तो होगा। देखो मैं क्या कर देखूं कहती का नहीं देखता हूं, मन पढ़ लो अनु देखो तुम जाके उड़ी स्थिति हां मैं सुनो मेरे मुंह तक मैं दमा खड़ी है ना बता दो आगे भाई कि मैं बोल नहीं है ना बोल ले जाओ ठीक से, अरे कि मैं कहो कह जाओ और कि मैं करना उन कर लो, मैं ब्याह उससे छोड़ी तो करूंगा मां बस सीधी बात से ठीक कोई ना भाई भी की मान जा भाई भी मान जाएगा एक बार मिलके तो देखो यार मानना ना मैं नाटू के तो एक बार पढ़ लेके नौकरी लाइक तो ब्याह करा दे हम नाटा भाई क्या नौकरी करा दे एक बार देखो सर अगर आप पसंद नहीं आई ना टाल कर देंगे। अरे फिर और कितने ब्याह हो जाओ उसका फिर के ब्याह करा दोगे। सुन ले क्या तो छो मार रहा है नहीं पागल सुके मामा कौन क्या तू पागल से तो सहने हो गए सारे भाई हम सहने को नहीं तेरे ऊपर छोड़ दिया पर मिल तो सर मनु का दे जब नौकरी लाग जा ब्याह करा दूं उससे तो करा दूंगा तो वे मेरी बात में बैठे रहेंगे उसके करके
कि हाँ भाई विक्की जी आएंगे, विक्की जी के साथ शादी कराएंगे। उसके माँ बाप होंगे ना, तो कोई दिक्कत ना होगी। घर के उसके चाचे दाऊ हैं। हाँ तो फिर भाई कहता हूँ जब तेरा पक्का रिश्ता कर देंगे बे, रोक देंगे। इतने दिन कोई ना डटे आकर है, ठीक है रोक देंगे। तो लिया माँ ले माला जा माला लिया गलवा जे भाई गलवा दे आज शांति घर पे ना। एक बात सोचे, जब उसके माँ बाप होंगे ना तो समझ जाएंगे ताऊ चाचे हैं, तो जल्दी करना पड़ेगा अपने। वो तो समझेगी, अगर प्यार कर रहा है तो बेहतर रुक सके भाई। कौन नहीं कर रहे हैं उसके घर के, ब्याह कौन नहीं कर रहे हैं मेरे तो पूछ लो। जबरदस्ती करोगे? हाँ ठीक से तोड़ लियो, मैं ब्याह करके आऊंगा। अरे राजी खुशी कर इसने क्या घर में कलेश करवाए है, कल लगी और कर लिया तो। भाई सारी बात छोड़, तेरा गुस्सा जायज है, पर मैं तेना इतनी बताऊं वह छोरी बहुत अच्छी है, घर बसाऊ है। तेरा कहना मतलब हो गया मैं खराब हूँ ना भाई, तू तो मिला है। सही, मतलब सही है। देख भाई भाई क्या बात थोड़ी है, तो हम भी नहीं चाहवा तू भी राजी रहे इस चीज में। वो तो गुस्से में कह गया, लेकिन तू तो समझ भाई। अरे क्या समझू यार, तो उसकी खुशी में खुश रहूंगा बहुत बढ़िया। खुशी में तने क्या लगा है, लेकिन मैंने बेरा ना जो कैरियर ना बर्बाद हो जाएगा उसका बाद में सोचा ना सोचना था कि मैं हासिल को नहीं हूँ मेरे भाई, टाइम लेकर जाएगा यो। फिर इतना तो थोड़ा बताओ नहीं बेरा भाई। ठीक से फिर तुम ना बेरा ताकि बातें खत्म होगी। ठीक से माँ, पर राय तो तेरी बिची है। मेरी भाई तेरी राय में राय है, तुम राजी हो ना कोई बात को नहीं, मेरे की फर्क ना पड़ता तो तुम राजी कर लो। फिर मुँह क्या था बड़ा तू, फिर मुँह को नहीं माँ, दिन रात थोड़ा धक्के खाऊ ना, मनु ही खाऊंगी, पढ़ लिख के ऐसी नौकरी ला जाए फिर से किमें करे जाओ। अरे तो लग जाएंगे भाई, बाद में की पढ़ाई को नहीं होगी। सुन मेरी बात माँ, आगे पाछा बात ऊपर लेनी थी हमने तो मेरे तो फिर बुझ जाएगी, बात खत्म हो रही। जब तू बड़ा है घर में, इनका बड़ा भाई है, बाप बराबर है। रह खड़ा गया बड़ा, सुन दे नहीं टाट टाट के आनदारे सिर पर। अरे तेरे तो अलग चल लेंगे, अलग ना फैसला कौन सा लिया भाई साहब। बड़ा प्यार कर रहे हैं, समझ बात में। ये प्यार प्यार सुन भाई, नालियां मुड़ दांडा है, अट्रैक्शन है, प्यार बहुत दूर की चीज है। अट्रैक्शन होता ना ना तो छोरी लोई लोई की दिखा देना। अरे भाई प्यार बहुत दूर की चीज है, प्यार ते दी पोछन में टाइम लाजा, जिंदगी दिखड़ जा प्यार नु ना होंदे। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ मन्नत के करना भाई। ठीक से भाई देख ले मां, बेचारे ने कितना प्यार ताकि करना बताई सारी बात। और फिर ये देख लो भाई इस बार कोई ना भाई कर लेगा, विक्की ब्याह कर लेगा उससे और बढ़िया होगा। तो करके तो बात ना करते ना, सीधा फैसला ले ले वे। ठीक है ना ना, घर में तो बताना चाहिए या कौन सी बात से। तू ऐसा काम करेगा तू पिटेगा मेरे ते। अपनी अपनी गाय जाओगा, दुखा ब्याह हो गया बात खत्म, रिश्ते सी कराओ अपनी। छो मान का किमे फायदा कोनी, समझ गया के फायदा कोनी माँ। जब तने मेरे ते बताई नहीं बात, मन्ने भी छो आया था और वो तेरा बड्डा भाई से किस तरह बोलने लग गया था तू। फिर बड्डा भाई है तो उन्हें सोची कोनी मेरे बारे में एक बार भी। था तो घना प्यार कर रहे है, प्यार तो बात करा कर नू कोनी खाने भागा उसने, तो मन ने गाली कोनी बकी थी। ठीक से उसने सारा ज्ञान से थारा खातर लागे रे खेता में वो सारा दिन। सही बात है, हम तो गोबर खावा, हम तो रोटी खाते को नहीं। तेल की तरह ना होया करे तो। ठीक समा, पहले ही दिमाग खराब हो रहा है, इतना और ज्यादा कर दे। मैं दिमाग खराब करूं तन्ने कर दिया सबका, थारे भला की सोची जा है वो। सोच लिया देखे गलत बोल दी भाई मैंने तन्ना सारा बेरा है भाई ने वो डाल भी मना सका था। तू किस तरह मनाऊ, गोदिया में ठा लू और बालना चाहिए चाहिए। तो अगला ने कौन दिखा यार, उसने भी नहीं दिखना चाहिए कि मेरी खुशी क्या में है। एक बार तो छो उठे करे सारे के, जो कोई नई बात का मेरा पट्टा करे। तेरे को नहीं उठा? अरे तो मैं तो तेरे के ले रहा हूँ बेरा, मनवा किसी चीज नहीं भाई। भाई ना के बेरा आजकल छोरी है ना सब ने फद्दू बना दे हैं। सही है भाई, तय भी उससे का भाई है छोटा, तेरी के गलती अपना तो बड्डा है, सब क्यों देख रहा है उसने भी। हाँ तो वही तो मैं माता कहूँ, हम तो गोबर खावा हमने कि मेरे को। अच्छा टाइम पर तेरी उसे टाइम तेरी मदद होनी रही कर ली मदद, तो उसका फर्ज है पैसे देना, कपड़े देना, खवाना टाइम पे, मतलब भी दोबारा भी कहूं बाइक देना, यो फर्ज है उसका। कोई नहीं प्यार तो बोल लिए, तो तेरा के फर्ज है तन्ने को नहीं बेदा हैं। तो मां मैं पढ़ता को नहीं के बता भाई, कॉलेज में पढ़ता को नहीं मैं। ठीक से सारी बात सही है कि प्यार दजा की बात कर ली है, पढ़े तो कोई शान ना करे, तेरी जिंदगी बनेगी उसकी ना बने, राजी हो रहा है। तो मामा ने कह दी, मानेगा तो भी ठीक, नहीं मानेगा तो भी ठीक। यह बात ये अकड़ है ना, यह चीज गलत है, उसको भी दिमाग में नहीं आया कि मैंने कि मैं नहीं मानता, दिखा दूंगा झुकता उसने भी। जब अगला इतना सोचा था तब बाद में तो थमने भी सोचना चाहिए, आप अपनी मर्जी करोगे थम। इसे बस छो तो मतलब छो ठड़ा एक मिनट में तो क्या कहना चाहोगे तुम दोनों, नुनू बता दे। नू कहना चाहो है भाई, तेरे पर कह दिए
कि भाई मैं तो ब्याह उससे क्या करूंगा। तो क्या है और किस तरह एक बार और तरीका था ये सो मारने काम ना चलेगा भाई नौकर कह दूंगा भाई साहब। हां कह दूंगा कि नट जाएगा तो लग नट जाएगा कदे नहीं नट सकता। ठीक सही बे कहूं देख लिए आज तक सारी चीज दी उसने तो देख लिए ही बे। कोई ना तू देख ली नहीं मान जाता नू ना मेरा इज्जत की बात सही है नू ये थोड़ी हो जाया करी ये काम। कोई ना दो नौकरी जगह ठीक से भाई मेरी होगी ये समझा दो। साइड में क्यों हो भाई तर दो रहा है हूं ना ये बात होगी भाई बात कि मैं को नहीं हुई मैंने कौन था भाई गुस्सा गुस्सा में भाई मैंने बेरा उनके के बोल दिया उसके खातिर भाई माफ कर दो मैंने गलती हुई भाई बड़ा हो जाता छोटा भी रहा कि मैं बोल सका इसमें माफी के होती इसमें बराबर का हो रहा है और भाई बराबर का हो जाता फिर भाई कहने सुनने से रह जाए आई तो खुली होगा मेरे भाई तो बातें दूसरी नहीं तो बाप ने कौन समझ देगी मैं फिर मैं तो बड़ा भाई हूँ तेरा भाई मैं उस छोरी तो बहुत प्यार करूँ भाई। अरे तो मायने गया ही काका क्यों वो है असमतल का है वो मान लूँगा भाई इतना बड़ा मन ना करे तेरा भाई का मन निशा हल्का को नहीं बस मैं तेन चाहूँ था भाई नौकरी लाख के ब्याह कर लिया और मना बता कि दिक्कत थोड़ी तेरे ब्याह कोई भाई बस निकट गया मेरे मुँह तो मैं बोलना कौन चाहूँ था। अरे तो कोई बात है ना भाई साहब उसमें थोड़ी लिख गई क्या बात होगी मेरा मन में थोड़ी की मैं जहर है मेरे मन में कही मन की मैं फिर आगे थप्पड़ मारे क्यों बोलिया तुम्हें आज तक तुमने कदे क्या की कमी को नहीं होने देर मैं इस तरह बोल गया तेरा आगे। अरे तो क्या बात होगी भाई सा दुश्मन थोड़ी है लिखड़ भी जा तो सो कोई बात मेरा तो मन में कोई फर्क को नहीं अरे वो ना बबली पूछ तेरा भाई रहा जब ब्याह करना है उससे गल करना है फिर तेरा जी है उदाना नहीं दिया पास दे ही तोड़ूंगा तो पास क्यों उदाना दिया तो सोच लिए पक्की बात हाँ डन ठीक ठीक है तो वो ला कमी ने ठीक से करवा दी फिर अल्लाह लुई।